खोलने नहीं है, खुले हुए थे, बंद इनका बंद करो ना, बस करो अभी, उन्हें बंद रखो, मैंने मर गूंगा यार, खोल लेना। शेख यार पतंग शतंग कोई नहीं उड़े, अभी तो इतने ज़्यादा उड़े थे हैं। वैसे यार हमारे पास दो पतंग रह गए हैं, ठीक है, ये एक येलो वाला और एक पिंक वाला, ताकि हमारे जो यार अभी मैं जब नीचे था ना, नीचे तब पतंग बहुत ज़्यादा उड़े थे, आवाज़ शायद ख़त्म हो गई इसीलिए। अच्छा मुर्गों के लिए जो से हम ब्रेड वगैरह लेकर आए हैं, खरगोश के लिए भी लेकर आए हैं पत्ते वगैरह, और अपने कबूतरों दाने वगैरह डालेंगे। चले इतने दिन में डाल ही देते हैं, उसके बाद पतंग उड़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से फिट फाट होंगे। तो अभी छत पर आए हैं पतंग लेकर, लेकिन पतंग ही नहीं उड़े, हवा अच्छी खासी थी एकदम से जो सा रुक गया। चलें जैसे ही आएगी फिर इंशाल्लाह उड़ाते हैं। दो पतंग लेकर हमें दो ही रह गए हैं, बाकी सारे ख़त्म। एक एक और रहता शेख, एक डेढ़ तब और रहता है। अब जैसे ही कबूतर बंद आएंगे उसके बाद जो सा खरगोश और मुर्गे खोलते हैं, ठीक है। उनके लिए मैं अलग से लेकर आया हुआ था, वो पड़ा हुआ पौधे में, ये गोभी के पत्ते हैं, गाजर है, उसके बाद ये भी गंद मचा हुआ है, ये सारा सफाई करेंगे। और मुर्गों के लिए जो सा प्लेट के वो साइड वाले होते हैं ना, वो लेकर आए। चले इतने में जो सा कबूतर दाने वगैरह डाल देते हैं, हैं जी कबूतर दाने वगैरह डाल दिए, ठीक है। ओ खोलते हैं जी ज़रा खरगोश और मुर्गे, मेरे यार उनको दाने पानी डालते हैं। यार पतंग उड़ने चाहिए यार, आज माहौल में हम लोग आए हैं। और यार दूसरी चरा खड़ी किधर की है, नहीं लेकर आए ऊपर किधर? अच्छा छुपा के रख दी शाम के टाइम, वो पता ही नहीं चलेगी जब नीचे जाएंगे तो। वैसे यार मैंने भी आ गई है, देखो मैंने पकड़ने की कोशिश, उड़ गए। वैसे यहाँ कोई धमाका हुआ है या क्या हुआ है ये देखो, आग लगाई होगी, प्लाट साफ कर रहा है, इस तरह की आग नहीं, ये आग नहीं, ये धमाके वाला सिस्टम है। किसी ने पूछी वैसे यार आप ब्रेड डालने लगे मुर्गों, ब्रेड की भी खुशबू बड़ी मजे की यार, तहजीब की ब्रेड, तहजीब की है। अच्छा भाई ब्रांड रखे हुए हमने सब कुछ, तहजीब की ब्रेड खाते हैं और KFC का वो घास खिलाते हैं, KFC के बंद ही होते फ्री में मिलते हैं वो खिलाते हैं। हाँ वो भी खिलाए थे, याद भी याद होगा तुझे, आप ही सेब चाहते चाहे खिलाते रहते अंदर, वो सेब ही है ना, सेब खरगोश को खिलाएंगे। ये लें जी गुजर का सलाद आ गया जी, गुजर के सेवर के साथ मिलता है ये, क्यों भाई खाया नहीं बैठ के? मैंने चलो हाँ शेख साहब क्या कौन सा खाया है, कौन सा खाया, सस्ता वाला महंगा वाला और डबल खाया 500 का हो गया था। वेरी गुड, चलो खोलो जी मुर्गे पहले खो, इधर है लो, किधर जा रहा है, खाने लगा तू, खोल इनको और इनको खाने दे ब्रेड, कीड़ा मैंने उठा लिया था। और दोस्तों यार अपने खरगोश को जो है ना और दाना पानी डाल दिए, ठीक है, पानी नहीं यार, पानी तो नहीं डाला इनको हैं शेख, पानी इनको पानी डाल जा, कितना पानी पानी वही पड़ा है, मुर्गे भी अपने खोले में, इधर क्या कर रहे हो, चलो इधर भाग जा भाग जा भाग जा, इसको अपने पार्टनर के पास भेजो। सलाद डाली नहीं गुजरों की, उसके अंदर डाली उसके अंदर थोड़ी सी बड़ा मजा आ गया, सुस्त हो गई यार थोड़ी है ना, नहीं ठीक है, अंडा तो नहीं देने लगी आज तो, देनी नहीं आजकल देगी, और गुड्डे छुट्टे को बताओ ना क्या सीन है, खाने दो। चले ये पतंग उड़ाने लगे, अरे सही कह जोर तो सही ना, नहीं मैं रुको 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 रुको। तो दोस्तों यार पतंग उड़ाने की कोशिश करते हैं, उड़ गया सही है ना उड़ा तो फिर हवा नहीं यार, नहीं उड़ेगा, उड़ना चाहिए यार। और तो दोस्तों यार पतंग जो है ना हमारा शहीद हो गया, ठीक है, हवा भी नहीं है ऊपर से जो है ना, ये देखें फट भी गया, तो टेप में नीचे रहेगा, नीचे रहेगी, ठीक है। अगर उड़ गया तो फिर इंशाल्लाह ये वाला उड़ाएंगे पतंग, अगर ना उड़े तो फिर ये देखें आप लोगों के सामने कोई पतंग नहीं उड़ा, खाली एक कबूतर ऊपर बैठा है, बाकी जो है ना चले नहीं के साथ टाइम स्पेंड कर देते हैं।
शेख यार एक और देसी मुर्गा लेकर आऊँगा। देसी मुर्गी लाएगा ना? आज शेख की बारी से अंडे की, लेकिन आज उसकी बारी नहीं है मुर्गी की। दूसरा अंडा देगा भी। बात तो सुनना, कल देंगे, कल देगी मुर्गी। नहीं जी, पतंग भी उड़ गए। मैं तो कह रहा हूँ एक साथ ही छोड़ देते हैं। हैं? कुट्टे छोटे मुर्गे होंगे तो कोई नहीं है, लेकिन जो है ना वो भी ऐसे ही कोशिश ही कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ यहाँ पे एक कुटा बनाना है, किधर बनाना है, ठीक है, और एक यहाँ पे बनाना है, एक आगे, ताकि थोड़ा काम सेट हो जाए। शेख यार वैसे उड़ना है तो स्टार्ट हो गए, लेकिन हवा कोई नहीं है, ऐसी कोशिश कर रहे हैं। ये भी मत ही कर रहे हैं, ऐसी थकने से बेहतर है बंदा सुकून से पतंग रखी रखे। सुकून है जी बिल्कुल। जब हम लोग आए थे उस टाइम सुकून नहीं था, क्योंकि मैंने कहा काफ़ी सारे जो से ना पतंग उड़े थे। ये देखो सुकून वाला माहौल है। अब वो मत कर रहे हैं बेचारे बच्चे हैं, ठीक है। हम लोग भी जब छोटे होते थे तब ऐसे ही कोशिश करते रहते थे। चलें जी, अब वीडियो को एंड कर देते हैं। तो दोस्तों यार वीडियो तो एंड कर देते हैं यहाँ पर ही, ठीक है, क्योंकि पतंग नहीं उड़ा सके भाई। कोई नहीं, ख़त्म हो गई एकदम से, पता नहीं क्या हुआ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, बाय 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 बाय।